नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। जम्मू कश्मीर में लगातार जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिल रही है। सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के चौगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। लगातार गोलीबारी को देखते हुए बारामूला गाजी गुंड रेलखंड पर रेलवे सेवा को रोक दी गई। इसके अलावा इंटरनेट सेवा भी रोक दी गई है ताकि आतंकी अपने आकाओं और समर्थकों से संपर्क न कर सके। पिछले कुछ दिनों में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ की घटनाएं बढ़ गई हैं। पिछले 2 दिनों में सुरक्षा बलों ने 12 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। घाटी में कुछ दिनों से लश्करे तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। आपको बता दें कि आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों की लगातार कामयाबी हासिल हो रही है। 48 घंटों के दौरान सुरक्षा बलों ने राज्य के अलग अलग इनकाउंटर में कुल 15 आतंकियों को मौत के घाट उतारा है, जिसे सुरक्षा बलों की एक बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। वहीं इस मुठभेड़ में शामिल पुलिस, अर्धसैनिक बल और सेना के 12 कर्मी भी घायल हुए हैं। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।